ऑल राइट, तो कैसे हो गाइस आप सभी लोग। गाइस आज हम लोग फिर से लेके आ चुके हैं बहुत सारी इंडियन कार्स एंड सुपर कार्स एंड एक बहुत ही ज्यादा प्यारा सा रैंप। आप लोग देख सकते हो गाइस सामने की तरफ हमारा बहुत ही ज्यादा प्यारा सा रैंप है एंड आज हम लोग गाइस एक बहुत ही खतरनाक चैलेंज करने वाले हैं। मैं आप लोगों को गाइस रैंप दिखा देता हूं। ऑल राइट, तो गाइस यहां पे हम लोगों को इस रैंप से होते हुए नीचे की तरफ जाना है एंड ऊपर जाकर इस टायर के अंदर से होकर हम लोगों को गाइस ये सामने की तरफ जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आना है एंड फिर से गाइस नीचे की तरफ जाना है एंड ऊपर की तरफ फिर से गाइस एक और टायर बना हुआ है। इसके अंदर से होकर हम लोगों को सामने की तरफ, आप लोग पानी देख सकते हो, हम लोगों को गाइस अपनी कार को इस वाले पानी के अंदर लैंड कराना है तो गाइज हम लोग ये चैलेंज जीत जाएंगे। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आजकल एक गेम बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में, वो है पैल वर्ल्ड। तो गाइज अगर आप लोगों को भी वीडियो चाहिए उस पर तो मुझे अभी जाकर कमेंट में बता दो, मैं डेफिनेटली गाइज उस पर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो चलते अपने फर्स्ट कार की तरफ। ऑल राइट गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी सारी सुपर कार से एंड इसके साथ गाइज हमारे पास कौन सी कार है। लिटरली गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे वैगन आर है। हम लोग गाइज सबसे पहले लेके जाने वाले हैं इस चैलेंज पे वैगन आर को एंड देखते गाइज ये वाली कार कैसा परफॉर्मेंस दे पाती है। बट गाइज ये कार भी बहुत ही ज्यादा एपिक कार है, इंडिया की एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया फेवरेट कार है गाइज लोगों की। हर मिडिल क्लास बंदे के पास लिटरल में गाइज एक वैगन आर तो जरूर होता है एंड यहाँ पे गाइज 200 प्लस का स्पीड दी है लिटरली में हमारी वैगन आर ने। गाइज 200 प्लस का स्पीड देते हुए गई है एंड यहाँ पे गाइज टायर के अंदर से होते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म तक भी आ गई है। बहुत ही इंप्रेसिव गाइज, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए हमारी वैगन आर आगे की तरफ जा रही है एंड देखते हैं गाइस यहाँ पे कैसा। ओके गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बैलेंस हिल चुका था वैगन आर का एंड वेट गाइस यहाँ पे हमारी वैगन आर लिटरली में गाइस रुक चुकी है एंड मैं ट्राई करता हूँ गाइस इसको इस वाले प्लेटफॉर्म से उतारने की एंड देखते हैं गाइस उतर पाती है या फिर नहीं। एंड आप लोग देख सकते हो गाइस इससे नहीं हो पाएगा, हम लोग गाइस इसको नीचे लेके चलते हैं एंड वेट। ओके गाइस यहाँ पे हमारी वैगन आर इस वाले चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाई एंड नीचे की तरफ जा रही है, आप लोग देख सकते हो गाइस। हम लोग चलते गाइस अपने नेक्स्ट कार की तरफ। ऑल राइट गाइस, नेक्स्ट कार में यहाँ पे एक सुपर कार लेके जाने वाले जो की है टोयोटा की सुप्रा। आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत ही ज्यादा बढ़िया एंड मेरी पर्सनल फेवरेट कार है गाइस, मेरी ड्रीम कार कह लो एक तरह से। आप लोग देख सकते हो गाइस मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे तो आ चुका हूँ अपने रैंप पर। ओके यहाँ पे गाइस हम लोगों ने एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया छलांग मार दी एंड आप लोग देख सकते हो गाइस 200 स्पीड टच हो चुका है लिटरली में गाइस 200 प्लस जा चुकी है। बट गाइस हमारी वैगन आर भी 200 तक गई थी लिटरली में गाइस 200 तक हमारी वैगन आर भी गई थी एंड यहाँ पे गाइस सुप्रा भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे इंटर कर चुकी है एंड देखते गाइस इस प्लेटफॉर्म को पार करके हमारी सुप्रा पानी तक जा पाती है एंड इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाती है या फिर नहीं। ऑल राइट गाइस यहाँ पे हम दूसरे रैंप पे आ चुके हैं एंड देखते गाइस दूसरे टायर के अंदर हमारी सुप्रा जा पाती है। ओके गाइस आप लोग देख सकते हो। ऑल राइट गाइस यहाँ पे इस वाले टायर के अंदर से हमारी सुप्रा तो चली तो गई है एंड गाइस यहाँ पे पानी से काफी ज्यादा आगे हमारी सुप्रा एंटर कर चुकी है पानी के अंदर। आप लोग देख सकते हो गाइस हमारी फर्स्ट विनर कार हमें मिल चुकी है जो की है टोयोटा की सुप्रा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कार की तरफ। ऑल राइट गाइस, नेक्स्ट कार में यहाँ पे लेके जाने वाले फॉर्च्यूनर लेजेंडर जो कि एक एसयूवी कार है। आप लोगों को पता ही होगा गाइस इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत से यूट्यूबर के पास भी है। गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन से यूट्यूबर के पास टोयोटा की फॉर्च्यूनर है। आप लोग देख सकते हो गाइस ये 6x6 कार है लिटरली में गाइस, ये अच्छा परफॉर्मेंस देनी चाहिए। गाइस आप लोग देख सकते हो 225 का स्पीड देते हुए फर्स्ट रैंप को कंप्लीट करते हुए गाइस हमारी फॉर्च्यूनर सेकंड वेट लिटरली में गाइस यहाँ पे हमारी फॉर्च्यूनर नीचे की तरफ आते हुए सेकंड प्लेटफॉर्म को टच नहीं कर पाई हमारी सुप्रा एंड नीचे गिर चुकी है गाइस, इस वाले चैलेंज से बाहर हो चुकी है। हम लोग चलते गाइस अपने नेक्स्ट कार की तरफ। ऑल राइट तो गाइस नेक्स्ट कार जो मैं यहाँ पे लेके जाने वाला हूँ वो है एक सुपर कार। आप लोग देख सकते हो गाइस बुगाटी चिरोन को मैं यहाँ पे लेके जाने वाला हूँ इस प्लेटफॉर्म पे एंड आप लोग देख सकते हो गाइस रैंप पर तो हम लोग आ चुके हैं एंड देखते हैं गाइस ये वाली कार कितना ज्यादा मैक्सिमम स्पीड दे पाती है। आप लोग देख सकते हो गाइस 200 प्लस हो चुका है 255 लिटरली गाइस 255 का स्पीड दिया है हमारी बुगाटी चिरोन ने एंड बहुत ही आराम से गाइस सेकेंड प्लेटफॉर्म को हमने टच कर लिया है। बट गाइस यहाँ पे गाड़ी उलट चुकी थी इस वजह से थोड़ा बहुत डैमेज भी हुआ है एंड देखते गाइस ये वाली कार हमारी कंप्लीट कर पाती है इस चैलेंज को या फिर नहीं।
एंड देखते गाइस, वेट गाइस, हम लोग आ चुके अपने दूसरे रैंप पर। एंड गाइस मुझे लगता है ये इस चैलेंज को बड़े आराम से कंप्लीट कर सकती है, ये बन सकती है हमारी सेकंड विनर कार। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो, ऑल राइट हम लोग, वेट वेट गाइस, आप लोगों ने देखा लिटरली में हम लोग टायर के अंदर फंस गए गाइस, ऊपर लगने की वजह से हमारी बुगाटी टायर के अंदर ही फंस गई गाइस। यहाँ पे मैंने छोटा सा बूस्टर दिया, एंड देखते हैं गाइस कि हो सकते हैं या फिर नहीं। वेट गाइस, यहाँ पे ये वाली बुगाटी हमारी इस चैलेंज से बाहर हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो गाइस। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कार की तरफ। ओके गाइस, नेक्स्ट कार में यहाँ पे लेके जाने वाला हूँ एक और एसयूवी कार, हैरियर को। आप लोग देख सकते हो गाइस, टाटा हैरियर हमारे पास आ चुकी है। जल्दी से जाकर कमेंट में बताओ गाइस कौन से यूट्यूबर के पास है। मैं आप लोगों को गाइस एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, उस यूट्यूबर का गाइस जो गैंग है उसका नाम है वामू गैंग। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं बहुत ही तेजी से, आप लोग देख सकते हो गाइस 200 प्लस का, 225 का गाइस स्पीड देते हुए हमारी हैरियर सेकेंड प्लेटफॉर्म तक जाने वाली है। ऑल राइट गाइस, आप लोग देख सकते हो एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया सा लैंडिंग, एंड सामने से गाइस हमारी कार बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। एंड देखते हैं गाइस ये हमारे सेकंड रैंप को कंप्लीट कर पाती है या फिर नहीं। एंड अगर गाइस इसने इस सेकंड रैंप को भी आराम से कंप्लीट कर लिया तो गाइस ये बन सकती है हमारी सेकेंड विनर कार। एंड यहाँ पे गाइस 225 का स्पीड देते हुए फिर से हमारी कार एक दफा, एंड वेट गाइस ये भी टायर से लग कर नीचे की तरफ जा रही है। ऑल राइट गाइस, ये वाली कार भी हमारे इस चैलेंज से बाहर हो चुकी है, हम लोग चलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट कार की तरफ। ओके गाइस, नेक्स्ट कार में यहाँ पे लेके जाने वाला हूँ एक बहुत ही ज्यादा एपिक सुपर कार जो कि है लैम्बोर्गिनी। गाइस हमारी पिछली वीडियो की भी ये विनर यही कार थी, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो गाइस हम लोग तेजी से जाते हुए इस वाले प्लेटफॉर्म पर, आप लोग देख सकते हो गाइस 255 का स्पीड देते हुए हमारी लैम्बोर्गिनी जा रही है सेकंड प्ले। बट वेट गाइस, यहां पे गाड़ी उलट चुकी है, वेट लिटरली गाइस गाड़ी ने हवा में ड्रिफ्टिंग की है। यस गाइस, गाड़ी ने हवा में एक बहुत ही अच्छा सा बैक फ्लिप मारा है। एंड यहाँ पे गाइस हम लोग आ चुके अपने नेक्स्ट रैंप पर, एंड देखते गाइस ये टायर मसला ना करे तो गाइस हमारी ये वाली कार विनर बन सकती है, बन सकती है गाइस हमारी सेकंड विनर कार। एंड आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइस हमारी कार, ओके गाइस यहाँ पे थोड़ा सा लग चुकी है टायर पे, बट गाइस विनर हो जाएगी। यस गाइस विन कर जाएगी, आप लोग देख सकते हो गाइस पानी के अंदर गिर चुकी है बहुत ही ज्यादा गाइस, आगे पानी के अंदर गिर चुकी है। एंड गाइस लैम्बोर्गिनी बन चुकी है हमारी ऑफिशियल सेकंड विनर कार, हम लोग चलते अपने नेक्स्ट कार की तरफ। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट कार में यहाँ पे लेके जाने वाला हूँ लैम्बोर्गिनी, बट गाइस एसयूवी वर्जन में लैम्बोर्गिनी उरुस। आप लोग गाइस इसका कलर देख सकते हो जो कि हमारे प्लेटफॉर्म हमारे रैंप के साथ बहुत ही ज्यादा मैच हो रहा है। एंड गाइस हम लोग देखते गाइस ये कैसा परफॉर्मेंस दे पाती है, 200 प्लस का गाइस, 255 का गाइस स्पीड देते हुए हमारी लैम्बोर्गिनी उरुस आ चुकी है। एंड देखते गाइस सेकंड प्लेटफॉर्म पर तो गाइस मुझे पता ही ये पहुंच जाएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से गाइस बहुत ही अच्छी लैंडिंग करते हुए हमारी लैम्बोर्गिनी उरुस आ चुकी है सेकंड प्लेटफॉर्म पर। एंड देखते गाइस लैम्बोर्गिनी उरुस हमारे इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाएगी, हमारे सेकंड रैंप को कंप्लीट कर सकती है या फिर नहीं। मुझे पता है गाइस डेफिनेटली कंप्लीट कर लेगी, अगर तो गाइस उस टायर के साथ टक्कर नहीं हुआ तो फिर गाइस बहुत ही आराम से कंप्लीट कर सकती है। आप लोग देख सकते हो, वेट गाइस यहाँ पे ऊपर की तरफ से थोड़ा सा लग चुका है, देखते हैं गाइस ये कंप्लीट कर पाती है या फिर नहीं। वेट, आप लोग देख सकते हो गाइस हमारी कार नीचे तो आ चुकी है, बट गाइस बिल्कुल ही गाइस वहां पे पानी के अंदर जरा सा टच हुई है, बट गाइस गाड़ी स्टार्ट है तो हम लोग इसको विनर बोल सकते हैं। हम लोग चलते अपने नेक्स्ट कार की तरफ। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट कार में यहाँ पे लेके जाने वाला हूँ महिंद्रा की थार। आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत ही बढ़िया कलर में ये वाली कार, कौन से यूट्यूबर के पास गाइस महिंद्रा की थार है आप लोग मुझे जल्दी से जाकर कॉमेंट में बता दो। बाय द वे मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ गाइस, जोन से यूट्यूबर के पास हमारी फॉर्चूनर है, फॉर्चूनर लेजेंडर, उसी के पास महिंद्रा की थार भी है। आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत ही बढ़िया स्पीड से हमारी थार ने यहाँ पे एक अच्छा सा जंप तो कर लिया है। एंड गाइस हमारे सेकंड प्लेटफॉर्म पर पहुंचने ही वाली है। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे हमारी थार एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया लैंडिंग करते हुए हमारी सेकंड प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी है। एंड आप लोग देख सकते हो गाइस हम इस सेकंड रैंप को कंप्लीट कर पाते हैं या फिर नहीं। अगर तो गाइस ये रैंप बहुत ही इजी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो गाइस ये वाली कार भी हमारी ऑफिशियल विनर बन जाएगी। एंड आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत ही बढ़िया तरीके का जंप मारते हुए हमारी कार ने गाइस टायर के अंदर से होकर लिटरली में गाइस बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चैलेंज को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। एंड गाइस हमारी थार भी यहाँ पे इस चैलेंज को विन कर चुकी है। हम लोग चलते गाइस अपने नेक्स्ट कार की तरफ, बट वेट
गाइस मैं आप लोगों को एक चीज दिखा दूं, आप लोग देख सकते हो गाइस हमारी थार लिटरली में गाइस पानी के अंदर चल रही है। आप लोग देख सकते हो गाइस एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है ये लिटरली में गाइस। कोई भी कार गाइस पानी के अंदर नहीं चलती गाइस, किसी भी यूट्यूबर ने आज तक पानी के अंदर आप लोगों को कार चला के नहीं दिखाया। लिटरली में गाइस बहुत ही बढ़िया तरीके का चीज है गाइस, आपको मेरी चैनल पे मिला ही है। आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी कार आगे की तरफ जा रही है पानी के अंदर। लिटरली में हमारी कार पानी के अंदर चल रही है। हम लोग चलते गाइस अपने लास्ट कार की तरफ। ऑलराइट गाइस हमारी लास्ट कार आप लोग देख सकते हो गाइस सुपर कार है फरारी की। एंड देखते गाइस ये कैसा परफॉर्मेंस दे पाती है गाइस। एक सुपर कार होने की वजह से गाइस इसको बेनिफिट है कि ये जीत सकती है गाइस। बहुत ही लाइट वेटेड कार है, बहुत ही तेजी से जाते हुए यहाँ पे गाइस 260 ऑलमोस्ट 260 का स्पीड दिया हमारी कार ने। एंड देखते गाइस बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी आ चुकी है कार, थोड़ा सा गाइस आगे से टुक चुकी है बट यहाँ पे हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म पे तो गाइस आ चुकी है। एंड वेट गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मेरा बैलेंस आउट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो गाइस कार का थोड़ा सा बैलेंस आउट हो गया था बट गाइस मुझे नहीं लगता ये कर पाएगी अब। वेट गाइस यहाँ पे गाड़ी नीचे की तरफ जा रही है एंड गाइस मुझे नहीं लगता इसने चैलेंज को, ऑल राइट गाइस ये चैलेंज को कम्प्लीट नहीं कर पाई। आप लोग देख सकते हो नीचे की तरफ ये आ चुकी है गाइस, हमारे चैलेंज से बाहर हो गई है। हम लोग चलते गाइस अपने विनर कार की तरफ। बट गाइस उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर गाइस आप लोगों को पैल वर्ल्ड पर वीडियो चाहिए तो मुझे अभी जाकर कमेंट में बता दो ताकि जितनी जल्दी हो सके गाइस मैं आप लोगों के लिए पैल वर्ल्ड की वीडियो बना सकूं। एंड आप लोग देख सकते हो गाइस सामने की तरफ हमारी विनर कार खड़ी है जो कि है लैम्बोर्गिनी उरुस सुप्रा एंड गाइस महिंद्रा की थार। अगर तो गाइस आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।